महाभारत में पांडवों की जीत उनकी खूबियों और कृष्ण भगवान की रणनीति से हुई थी। उसी तरह एक निवेशक की सफलता एक सही सलाहकार चुनने की खूबी और सलाहकार के मार्गदर्शन पर निर्भर है। एंड इन कॉन्सेप्ट दिस पोजिशन बिलोंग्स टू नन अदर देन सिद्धार्थ मांडलेवाला। Mr. Siddharth Mandalaywala has a rich experience of over a decade in Indian capital markets. He is an MBA specialized in finance. He has thorough knowledge of all the macro as well as micro aspects of the economy. He also possesses strong knowledge of fundamental analysis, and his passion for his job can be seen from his investments, being 100% invested into equities. He is frequently invited to number of colleges and forums to give presentation on capital market. In his 13 years of experience, he has been successful in finding number of companies which went on to becoming multi-baggers, Titan, Natco, and Relaxo to name a few. At Concept, he manages two plans, namely Legend and Marvel. Legend being a large cap oriented fund, whereas Marvel is a mid cap oriented fund. Minali, do you know, last year, most of the investors and fund managers struggled to beat the benchmark. But it feels very, very proud to announce that Concept Legend Plan has outperformed its benchmark, which is the BSE 200, by a whopping 7%. And our Marvel Plan has outperformed its benchmark by 1%. As they say, people who have power to hold and have patience are more successful in life and other decisions of investing. And in Concept, the epitome of patience is none other than Siddharth Mandalaywala. So ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Mr. Siddharth Mandalaywala. सबसे पहले तो नाविद और मीनाली का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दे आर नॉट अकस्टम टू डू दिस। वो मास्टर ऑफ सेरेमनी के प्रोफेशनल नहीं है। वो नाविद इज रिसर्च हेड, ही इज CFA, और मीनाली जो है शी इज रिसर्च एनालिस्ट, शी इज CFA एज वेल एज CA। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव टीम लाइक दिस, और वो मास्टर ऑफ सेरेमनी कर रहे हैं। जैनिश और भावेश, उनके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। फिफ्थ एनिवर्सरी जब थी, दे वेर सिटिंग आउटसाइड ऑन द रजिस्ट्रेशन डेस्क, और देखिए आज 10th एनिवर्सरी पे वो कहाँ आ गए हैं, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन डेस्क टू स्टेज। अगर हार्ड वर्क करते हैं तो कहां से कहां आ सकते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। मेरी जर्नी की बात करूं तो 10 इयर्स बैक जब 2009 में हमने PMS शुरू किया, थैंक्स टू हेमंत सर के, उन्होंने मुझ पे विश्वास रखा, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था पब्लिक पैसा मैनेज करने का, जीरो एक्सपीरियंस। और आप सब जानते हैं इक्विटी इन्वेस्टिंग इज लाइक प्लेइंग विथ फायर, आग से खेलने जैसा है, और उसमें पब्लिक का पैसा मैनेज करना वो तो बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन अगेन ये फोरम पे से मैं बताना चाहता हूं कि लास्ट 10 इयर्स में वी हैव वन कंप्लेन बुक एट आवर ऑफिस, आज तक वो कोरी की कोरी रही है, एक भी जन की एक भी कंप्लेन नहीं है। डेफिनेटली ओपिनियंस डिफर, क्लाइंट्स बातचीत करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा मेरे से एग्री करेंगे, दे डिफर ऑन वेरियस थिंग्स, लेकिन दे हैव नेवर कंप्लेन्ड। So I am lucky, I am blessed to have you all as my clients. और ऐसे clients lucky लोग को ही मिल सकते हैं। Last 18 months, जैसे हिरेन भाई ने भी बताया, बहुत difficult time था। मेरे career में भी most difficult time था वो। Thanks to this Friday के थोड़ा sentiment बदल गया है। Otherwise मुझे लगा था कि बहुत सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। 18 मंथ्स में हार्डली एनी रिडम्पशन केम फ्रॉम आवर क्लाइंट, हार्डली एनी, और मुझे कोई क्लाइंट ने फोन करके परेशान नहीं किया है। अगेन ये बताता है कि कितने मैच्योर हो गए लोग, दे अंडरस्टैंड कि इक्विटी में ऐसे फॉल्स आ सकते हैं।
तो अगेन मैं बहुत खुश हूँ, ये पहले नहीं था ऐसा, 4-5 years पहले इतनी मैच्योरिटी नहीं थी हमारे इक्विटी ऑडियंस में जो आज है, तो अगेन आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. सो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ, मैं मिस्टेक्स कर सकता हूँ, लेकिन मैं इंटेंशनली गलती कभी नहीं करूँगा. हूँ खोटो पड़ी सकूँ छू, पण हूँ जाणी जोईने खोटू कोई दिवस नहीं करीस, आ हूँ अश्योरेंस तमने आपू छू. सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. विजय केडिया, ये आदमी को बहुत लोग जानते होंगे, ही इज अ लेजेंडरी इन्वेस्टर. एक बुक में, एक इंटरव्यू में एक लाइन उन्होंने बताई थी अभी रिसेंटली, इट टुक मी मोर देन 20 इयर्स टू रीच नेटवर्थ ऑफ रुपीज 5 lakh, वॉट एवर लिटल मनी आई मेड इट हैपन्ड इन लास्ट 15 इयर्स. और वो लिटल मनी जो लाल, मैंने लाल से लिखा है लिटल, लिटल मनी 400 करोड़ हो गया है. यहां समझने की बात यह है कि पहले 20 साल में उन्होंने सिर्फ 5 lakh बनाए स्टॉक मार्केट में से, और अगले 15 साल में उन्होंने 400 करोड़ बनाए. और ये मंदी की मार्केट में उनकी नेटवर्थ इतनी है, उनका रियल एस्टेट ये सब ऐड करेंगे तो मुझे लगता है 500 करोड़ के आसपास होगा. कहने का मतलब ये है, स्टॉक मार्केट में जो पैसा लेके आता है वो एक्सपीरियंस लेके जाता है, और जो एक्सपीरियंस लेके आता है वो पैसा बना के जाता है. हमें भी 10 years कंप्लीट हुए हैं. मैं ऐसा मानता हूँ लास्ट 10 years में जो रिटर्न मैंने बनाया है उससे ज़्यादा नेक्स्ट 10 years में बनाऊँगा. एक्सपीरियंस हेल्प्स. मोनीश पबराई, अगेन अ वेरी गुड इन्वेस्टर. उन्होंने एक टॉक में, ट्रस्ट वर्सेस ट्रूथ करके एक टॉक था, उसमें ये चीज़ बताई थी कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो 3 चीज़ें चाहिए. सबसे पहला इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी. इंटीग्रिटी इज अ मस्ट. नहीं होगी तो आप ऊपर भी जाओगे तो नीचे फिर से आ जाओगे. ऊपर रहने के लिए इंटीग्रिटी इज अ मस्ट. दूसरा, आपको रीजनेबल इंटेलिजेंस चाहिए. आपको IIM वाला IQ नहीं चाहिए, रीजनेबल इंटेलिजेंस जो हम सब में है. और तीसरा, एनर्जी, हार्ड वर्क. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क. हार्ड वर्क चाहिए, चाहिए और चाहिए. अगर ये 3 चीज आप करोगे तो 4th one विल फॉलो, एंड दैट इज लक. लक विल डेफिनेटली फॉलो. सो मैं ऐसा मानता हूं कि लाइफ में एडवर्सिटी आनी बहुत जरूरी है. एडवर्सिटी इज नथिंग बट अ ब्लेसिंग टू यू. लास्ट 18 months काफी बिजनेसेस में एडवर्सिटी आ रही है, समझ लीजिए ये ब्लेसिंग है आपके लिए. इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. 2002 में क्या हुआ था, राइट्स. वो एडवर्सिटी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो 3 बार CM बने और अभी 2 बार PM बने. सो एडवर्सिटी आनी ही चाहिए, इट इज अ ब्लेसिंग, ऐसा समझ लो. ये एक चार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप ऑनेस्ट हो तो लोगों का ट्रस्ट आप पे day 1 से नहीं आएगा, वो ग्रेजुअली बिल्ड होगा. सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, परसिवियरेंस, करते जाओ. अल्टीमेटली पे ऑफ ऐसा आएगा कि फिर आप लोगों को जो भी बोलोगे वो आपकी बात मानने लगेंगे. और ये हर एक चीज में भी बिल्ट होगा. आपका बिजनेस है तो वो आप उसमें फ्लरिश करोगे, आपके रिलेशनशिप है वहां आप फ्लरिश करोगे. एवरीवेयर दिस विल हेल्प. और ये सब आपका भी एक्सपीरियंस हुआ होगा. सो मैं मानता हूं कि इंडिया हैज एंटर्ड अ न्यू ईरा वेयर एथिकल कंपनीज विल डू वेल. आप देख लीजिए 2008 और 2019, ये दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों में फर्क ये है, 2008 में जो 52 week हाई या लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक्स थे वो कौन से थे? रियल एस्टेट स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, रिलायंस ग्रुप, अनिल अंबानी ग्रुप, मुकेश अंबानी ग्रुप, काफी ऐसी कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज. आज 52 week हाई पे कौन से स्टॉक्स हैं? तो ये कोई नहीं है, सिर्फ मुकेश अंबानी को एक एक्सेप्शन मान लेते हैं, बाकी कोई नहीं है. बाकी कौन से हैं? तो HDFC ग्रुप, टाटा ग्रुप,
जो एथिकल कंपनीज है वो लाइफ टाइम हाई या 52 वीक हाई पे है. सो मैं मानता हूं कि यहां ही सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन होने वाला है. और जो हमारा आज टॉपिक भी है प्रिजर्वेशन, ये कंपनीज ही आपकी वेल्थ को प्रिजर्व भी करेगी. हमने देखा है जब भी बेयर मार्केट आता है आपका जरा भी लो क्वालिटी स्टॉक हो 50-60-70% टूट जाता है. क्वालिटी कंपनीज में ऐसा नहीं होगा, एक बार टूटेगा भी तो भी वो रिकवर हो जाएगा. सो आई विल गिव यू टू एग्जांपल्स. एचडीएफसी एएमसी, लास्ट ईयर वी बॉट दिस कंपनी आफ्टर द आईपीओ, एसेट मैनेजमेंट कंपनी. रिसेंटली क्या हुआ था, उनके जो एफएमपी फिक्स मैच्योरिटी प्लान में एसएल ग्रुप के पेपर्स उन्होंने लिए थे, जी ग्रुप के पेपर्स लिए थे और वहां डिफॉल्ट हुआ. अभी डिफॉल्ट हुआ तो उन्होंने खुद अपनी बैलेंस शीट पे वो पेपर्स ले लिए और इन्वेस्टर्स के सारे पैसे लौटा दिए ट्रस्ट. इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा कि एचडीएफसी ग्रुप हमारे पैसे कभी नहीं गंवाता है. एज अ शेयर होल्डर आई वॉज अनहैप्पी एट दैट टाइम. मुझे लगा कि ये क्या किया, ये तो खुद की बैलेंस शीट पे ले लिया, अभी ये एसएल वाला अगर पैसा नहीं देता है तो उनको मार पड़ेगा. लेकिन स्टॉक मार्केट ने भी उसको पॉजिटिवली लिया. वही स्टॉक उस दिन 6% टूटा था, वहां से आज 80% अप है, 80%. सो मार्केट ऑल्सो आइडेंटिफाइज दिस थिंग्स. और मैं मानता हूं कि अभी के सिनेरियो में क्लाइंट कम फर्स्ट, कस्टमर कम फर्स्ट, एम्प्लॉय कम सेकेंड एंड फाइनली शेयर होल्डर्स कम थर्ड. जो पहले उल्टा था, पहले शेयर होल्डर्स कम फर्स्ट, एम्प्लॉय कम सेकेंड और फिर आते थे कस्टमर्स. अभी सिनेरियो बदल रहा है, पॉजिटिव सिनेरियो हो रहा है. टाटा ग्रुप, उसमें वी होल्ड वन कंपनी टाइटन सिंस लास्ट 10 ईयर्स. फ्रॉम डे वन वी आर हैविंग टाइटन इन आवर पोर्टफोलियो. और हमने थोड़ा बहुत बीच में बेचा होगा, बाकी जनरली हमने होल्ड ही किया है. टाइटन में जब डीमोनिटाइजेशन अनाउंस हुआ था शाम के 8 बजे के 12 बजे से 500 और 1000 की नोट्स इलीगल हो जाने वाली है, तनिष्क वॉज द ओनली ज्वेलरी स्टोर जिसने 12 बजे ऑपरेशंस बंद कर दिए थे. एक भी इनवॉइस 12 बजे के बाद नहीं हुआ था. उसके सामने कोई भी ज्वेलरी स्टोर आप उठा लीजिए 3-4-5 बजे तक चालू थे सब स्टोर्स रात को, और दूसरे दिन भी बेचा था. इसका परिणाम क्या हुआ, सब ज्वेलर्स के वहां रेड हुई थी और सबको इनकम टैक्स ने पूछा था कि ये कैसे आप लोगों ने इतना धंधा कर लिया, और उनको फिर प्रॉब्लम्स आए. तनिष्क को एक भी स्टोर में रेड नहीं हुई है. उसी तरह टाइटन के वॉचेस डिवीजन, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो पहले उनको 28% स्लैब में डाल दिया, तो जो भी फ्रेंचाइज होल्डर्स थे टाइटन वॉचेस के वो सब डर गए. उनको लगा कि अभी हमारे पास जो इन्वेंट्री है उसमें तो हमें बड़ा लॉस होगा क्योंकि अचानक से 28% आ गया है. टाइटन एज अ लीडर केम आउट एंड सेड टू इट्स फ्रेंचाइज होल्डर्स कि आप बेचिए, आपको जो भी लॉस होगा वी विल कंपनसेट. उन्होंने अपनी बुक पे 100 करोड़ का लॉस लिया. अगेन लीडर केम आउट एंड शोड कॉन्फिडेंस. उस टाइम पे मार्केट को शायद अच्छा नहीं लगा था शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग रन में वी ऑल नो कि टाइटन ने कितनी वेल्थ क्रिएट की है. इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हमेशा कहते हैं कि अ क्लियर कंसाइंस इज द सॉफ्टेस्ट पिलो इन द वर्ल्ड. आपको अगर रात को अच्छी नींद लेनी है तो एथिकल रहना बहुत बहुत जरूरी है, और खास करके अभी मोदी के इरा में. सो अभी अपनी मार्केट में क्या हो रहा है, इंडियन मार्केट में समुद्र मंथन हो रहा है. और समुद्र मंथन जब होता है तो अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है. विष तो हम सब देख ही रहे हैं, जिस तरह का स्लोडाउन हो रहा है तो वो मुझे बहुत कहने की जरूरत नहीं है. लेकिन आई एम ऑप्टिमिस्टिक बाई नेचर, सो इसमें भी मैं अमृत ढूंढ रहा हूं कि अमृत क्या है. मेरे हिसाब से ये सब अमृत है. इलेक्शन इस बार जो हुआ था लोकसभा का, उसमें मुद्दा महंगाई था ही नहीं. ये पहला इलेक्शन था हिस्ट्री में. मैं बहुत इलेक्शन ट्रैक करता हूं, ये इलेक्शन में कभी भी कोई भी ऑपोजिशन पार्टी ने महंगाई का मुद्दा उठाया ही नहीं था, वो राफेल और सब दूसरे मुद्दे थे. यानी ये गवर्नमेंट की बिगेस्ट अचीवमेंट है कि उन्होंने महंगाई की कमर तोड़ दी है. और इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट्स आर कमिंग डाउन. 110 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी आरबीआई ने कट कर दिया है और भी कर सकते हैं. इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गोइंग टू रिड्यूस. और जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होती है तो इंडिया विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव. रेटिंग एजेंसीज
केयर के एमडी अभी लीव पे हैं, और वो लीव पे क्यों हैं? क्योंकि उनको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पूछ रहे हैं कि आपने आईएलएनएफएस को ट्रिपल ए रेटिंग कैसे दिया। ये हो रहा है इंडिया में अभी, पहले जो कभी नहीं होता था। ऑडिटर्स आर आंसरेबल नाउ, पहले ये भी नहीं होता था। बैंकिंग सिस्टम हैज नाउ क्लीन्ड ऑलमोस्ट। आप देखिए लास्ट 2-3-4 क्वार्टर से एनपीएस कम हो रहे हैं, प्रोविजनिंग कम हो रही है। आईबीसी बहुत ही बड़ा लॉ है, बहुत अच्छा लॉ है, बढ़िया लॉ है। इससे क्या इंश्योर हो रहा है बैंकरप्सी कोड से, कि जो भी डिफॉल्ट विलफुली करते थे प्रमोटर्स, अब नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर लगेगा कि मेरी कंपनी मेरे हाथ से जाएगी, जो पहले डर नहीं था। अगेन आईबीसी में थोड़े फ्लॉज भी हैं कि बहुत टाइम जा रहा है, ये सब रिजोल्यूशन फास्ट नहीं हो रहे हैं, बट डेफिनेटली ये लॉ भी बहुत बढ़िया है। और फाइनली आप सबने देखा होगा कि 5 साल पहले आपके ग्रुप में या आप जिनसे भी मिलते थे, वहां पे जो सबसे अनएथिकल बंदा होता है वो अपनी बढ़ाई बहुत मारता था। वो बोलता था कि मैंने पैसे के दम पे यहाँ ये पैसा खिलाया और अपना काम करवा दिया। आज के दौर में वो सब गायब हो चुके हैं, आप सब रियलाइज कर रहे होंगे, वो सब गायब हो रहे हैं। सो अगेन अनएथिकल प्रोमोटर्स के जो सिस्टम को खेलना जानते थे, आज उनकी भी हालत खराब हुई है। और फाइनली जो फ्राइडे मास्टर स्ट्रोक आया, रिड्यूसिंग कॉरपोरेट टैक्स रेट। अभी सुबह नैनेश भाई से हम बात कर रहे थे, वो खुद मुझे बता रहे थे कि 6-8% कॉरपोरेट प्रॉफिट्स ऐसे ही बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। और वो एकदम सही बात है कि 35 जो दे रहे थे अभी 25 पे आ जाएंगे, डेफिनेटली बॉटम लाइन बढ़ जाएगी। सो हम लोग जो हर बार रो रहे थे कि अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रहा है निफ्टी में, सेंसेक्स में, ब्रॉडर मार्केट में, वो अचानक से आ जाएगा। सो ये बहुत बड़ा कदम है और इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। मैं मानता हूं लाइफ में हम्बल रहना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब हम्बल होते हो तब आप दूसरों को सुनते हो, और जब आप दूसरों को सुनते हो तब आप कुछ लर्न करते हो। सो हम भी हमारे इन्वेस्टिंग प्रोसेस में इवॉल्व हो रहे हैं, हम लोग ने एक स्टाइल पकड़ के नहीं रखी है, वी इवॉल्व ओवर ईयर्स कि भाई अगर मिस्टेक है तो रेक्टिफाई करनी है। सो आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई मिस्टर भरत शाह ऑफ ASK, और उनसे मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हूँ, उनसे काफ़ी मैंने सीखा है। रिसेंटली मैं उनका एक सेमिनार भी अटेंड करने गया था, तो उनसे सीख के हम लोगों ने हमारी जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी फ्रेम की है वो उसके थोड़े ग्लिम्सिस मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारे लिए साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे पास दो सेक्टर्स हैं, एक है वेल्डिंग सेक्टर और दूसरा है ज्वेलरी सेक्टर, वेल्डिंग सेक्टर का मार्केट साइज है 1300 करोड़, उसके सामने ज्वेलरी सेक्टर का मार्केट साइज है 3,50,000 करोड़, आई विल डेफिनेटली प्रीफर ज्वेलरी सेक्टर। कोई भी कंपनी बड़ी कब बनेगी? जब उसका इंडस्ट्री साइज बड़ा होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा, वी फोकस ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इंडिया में कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अराउंड 13-14%, सो एनी कंपनी विच इज नॉट अर्निंग अबव दिस वो अच्छी कंपनी नहीं है। अगर ये हम स्क्रीन पे दौड़ाते हैं कि किसकी ROCE 15% के ऊपर है, तो यू वुड बी सरप्राइज टू नो 94% कंपनीज डोंट क्वालिफाई, 94% कंपनी। सो आपका यूनिवर्स सिर्फ 6% पे आ गया, 94% कंपनीज की ROCE बिलो 15 है। दूसरा, हमारे लिए अर्निंग ग्रोथ भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, यानी अगर एक शिप है तो शिप में उसको हिलाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक विंग्स चाहिए और दूसरा विंड चाहिए। विंग्स इज नथिंग बट ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और विंड इज नथिंग बट अर्निंग्स ग्रोथ। हम कैश फ्लो पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं। लास्ट 10 ईयर्स में L&T को छोड़ दीजिए, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने पैसा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि फ्री कैश फ्लो नहीं है। मार्केट इसको भी बहुत बारीकाई से देख रही है, माइक्रोस्कोपिक लेंस से देख रही है कि आपका धंधा फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है तो फिर वो कहाँ पे डाल रहा है पैसा,
Again, this is very important. Hamare liye screening starts with quality and end with valuation. So, screening hamare liye start hoti hai quality se aur end hoti hai valuation pe. Pehle ye thoda ulta tha. Aaj bhi hum log किसी क्लाइंट को अच्छी कंपनी देंगे तो वो क्या पहला सवाल करेगा कि भाई वो महंगी है, बहुत महंगी है, बहुत बढ़ गई है. दैट शुड कम लास्ट. फर्स्ट वी शुड फोकस ऑन क्वालिटी एंड लास्ट वी शुड फोकस ऑन वैल्यूएशन. और इंडिया का कैरेक्टर क्या है मार्केट का? इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट. हम लोगों ने वैल्यू इन्वेस्टिंग भी बहुत करके देख लिया. वैल्यू इन्वेस्टिंग में पैसा नहीं बनता है इंडिया में. 70 rupees बुक वैल्यू वाली कंपनी 25 में मिल रही थी, हमने ली थी, आज उसका भाव 5 rupees हो गया है. सो इंडिया में एक्टिविज्म नहीं है. जो एसेट्स ग्राउंड पे है वो मोनिटाइज नहीं हो पाती है. एंड दैट इज व्हाई आई फील के ग्रोथ मार्केट इज गोइंग टू प्रिवेल इन इंडिया. और ग्रोथ स्टॉक्स जो है वही अच्छा करेंगे. सो अर्निंग्स ग्रोथ अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर अगेन मेरे पास दो कैटेगरी की कंपनीज है, एक कंपनी ग्रो होती है ऑर्गेनिकली और दूसरी कंपनी ग्रो होती है इनऑर्गेनिकली यानी एक्विजिशन से थ्रू, तो आई विल प्रिफर कंपनीज विच इज ग्रोइंग ऑर्गेनिकली. फ्रीक्वेंट डाइल्यूशन जो कंपनी करती रहती है अपनी इक्विटी का, वी विल नॉट प्रिफर दैट टाइप ऑफ कंपनीज. वी विल प्रिफर कंपनीज जो विदाउट डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी ग्रोथ करती है. लेवरेज हमने देखा है लास्ट 10 years में 80% जो कंपनीज डूब गई है उसका मेजर कारण है लेवरेज, हाई डेट. प्रमोटर को अगर परखना है तो दो चीज पे फोकस कीजिए, कैपिटल एलोकेशन और कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन. वो अपना पैसा कहाँ डालता है, कौन से लाइन ऑफ बिजनेस में डालता है, और जब जो पैसा बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है, बाईबैक कर रहा है, डिविडेंड कितना दे रहा है, पे आउट रेशियो कितना है. And finally, consistency and visibility of earning is more important over lumpiness and inconsistent fast growth. आपके पास दो कैटेगरी की कंपनीज है, एक कंपनी हर साल 15-15% का ग्रोथ कर रही है और दूसरी कंपनी है जो एक साल में 100% ग्रोथ करेगी, दूसरा साल में नेगेटिव चली जाएगी. मार्केट विल रिवॉर्ड द कंपनी विच इज ग्रोइंग कंसिस्टेंटली. ये सब हमने सीखा है जो पहले नहीं सीखा था. इवन दो दोनों के अर्निंग ग्रोथ ओवर अ लॉन्ग टर्म सेम रहेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी को मार्केट हायर वैल्यूएशन देती है. और आप देख लीजिए एफएमसीजी सेक्टर और कॉमोडिटी सेक्टर, एफएमसीजी के वैल्यूएशंस देख लीजिए और कॉमोडिटी के देख लीजिए, वेल्थ कहां क्रिएट हुई है. सो व्हाई क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट. कंपनी ए और कंपनी बी है आपके पास. कंपनी ए का आरओसी 20% है, कंपनी बी का आरओसी 10% है. दोनों का ग्रोथ सेम है, 15-15% है. आप कौन सी कंपनी लेंगे? डेफिनेटली कंपनी ए, राइट? अभी मैं दूसरी कंडीशन डालता हूं. अगर आप कंपनी ए जो 20% आरओसी वाला है वो आप महंगी बाई कर रहे हैं, 4x बुक वैल्यू पे बाई कर रहे हैं, एंड वेन यू गो एंड सेल दैट स्टॉक आफ्टर 40 years आप सस्ते में बेच रहे हैं, 2x बुक पे बेच रहे हैं, यानी आपने महंगा लिया और सस्ते में बेचा. कंपनी बी में आपने क्या किया? सस्ते में लिया और महंगा बेचा. अल्टीमेटली किसका रिटर्न अच्छा होगा, कंपनी ए या कंपनी बी? आई विल गिव यू द रिजल्ट. कंपनी ए 18% CAGR और कंपनी बी सिर्फ 12% CAGR. यानी सस्ता लेना और महंगा बेचना, वहां से ही पैसा नहीं बनता है. दूसरा एक एग्जाम्पल टाइटन, लास्ट 11 years में 21x बढ़ा है, 30.4% कैगर रिटर्न दिया है. अभी ये जो रिटर्न आया है उसमें मैक्सिमम रिटर्न कहां से आया है? तो अर्निंग ग्रोथ से आया है. अर्निंग ग्रोथ से 22.7% रिटर्न आया है और 7.7% आया है पी मल्टीपल एक्सपांशन से. 2008 में टाइटन का पी था 32, आज उसका पी है 72. पीई डज नॉट कंपाउंड ओवर टाइम, अर्निंग ग्रोथ कंपाउंड होता है. इसलिए अर्निंग्स पे ज्यादा फोकस करना है, पी मल्टीपल पे नहीं. एट दैट टाइम ऑल्सो 32 प्राइस अर्निंग महंगा ही था, लेकिन फिर भी टाइटन ने 30% के ग्रोथ बना के दिया. एक दूसरा एग्जांपल है S&P 500 अमेरिका का, यूएस का, 82 इयर्स का ये होराइजन है. 82 इयर्स में आप देखो 1917 जब वर्ल्ड वॉर 1 चालू था तब 5 के पीई पे S&P 500 मिल रहा था
और 1999 यानी .com बबल अपनी चरम सीमा पे था, तब प्राइस अर्निंग 34 पे पहुंच गया था। यानी आपने 5 के पी पे लिया और 34 पे आपने बेचा होता तो आपका टोटल रिटर्न 11.6% केगर आता S&P 500 में। लेकिन उसमें से मेजॉरिटी अर्निंग कहां से आया? EPS ग्रोथ से आया, 9.3%। यानी 80% ऑफ योर रिटर्न केम आउट ऑफ EPS ग्रोथ एंड जस्ट 20% केम आउट ऑफ PE एक्सपांशन। सो अर्निंग्स ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करना है। मैनेजमेंट को मार्केट कैसे वैल्यू करती है बियॉन्ड नंबर्स? तो मैनेजमेंट में मार्केट ये सब भी देखती है, ट्रस्ट है कि नहीं है, उनका कल्चर कैसा है, स्केलेबिलिटी है कि नहीं है, वो स्केल कर पाती है कि नहीं कर पाती, डेलीगेट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। सिर्फ बाबू बैठा है और उसके नीचे कोई वो डेलीगेशन नहीं कर पाता है तो मार्केट उसको भी प्रीमियम नहीं देता है। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटीग्रिटी एंड फाइनली पैशन, हंगर फॉर सक्सेस। अगेन मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। CCD वन मैन ड्रिवन कंपनी थी, उस वो सिद्धार्थ नहीं रहा तो शेयर प्राइस आधा हो गया। टाइटन भास्कर भट्ट, ही इज गोइंग टू रिटायर ऑन 30 September, टाइटन का शेयर ऑल टाइम हाई के पास है। बोर्ड ड्रिवन कंपनीज आर मोर प्रिफरेबल ओवर वन पर्सन ड्राइविंग दैट कंपनी, और ये उसका सिंपल एग्जाम्पल है। ये सारी भी कंपनीज आप देखोगे नीचे जो है वो सब में हमें ये सब चीजें दिखती है। अगेन एक ही सेक्टर की तीन कंपनीज, तीनों का सेल्स देखिए, तीनों का नेट प्रॉफिट देखिए और तीनों का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए। तीनों ब्रांड सबको पता है लेकिन मार्केट कैप देखिए। आज आपको टाइटन पूरी खरीदनी है, 1,12,000 crore में आपको टाइटन मिलेगी, उसके सामने PC ज्वेलर 1,400 crore में मिलेगी और TBZ आपको सिर्फ 288 crore में मिलेगी। सी द डिफरेंस। मार्केट एक सेक्टर बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो ऐसा नहीं है कि सबको ही पैसा बना के देती है, नहीं, क्वालिटी कम्स एंड काउंट्स। कंपनी फेल क्यों होती है? तो मेजर 5 रीजन है। एरोगेंस। विजय माल्या को लगा कि मैं दारू की कंपनी में अच्छा कर रहा हूं तो अभी मेरे को प्लेन भी उड़ाना है, तो प्लेन उड़ाने में प्लेन नीचे आ गया और दारू की कंपनी बेच दी पड़ी। सिमिलरली यूनिटेक वॉज डूइंग वेरी वेल इन रियल एस्टेट लेकिन फिर वो टेलीकॉम में गया और आज दोनों नहीं है। ब्यूरोक्रेसी, हमारे पास काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, MTNL, BSNL, एयर इंडिया, PSU बैंक्स, SBI को छोड़ के बहुत खराब हालत है। कॉम्प्लेसेंसी, कोडक और एम्बेसडर को लगा कि हम जो कर रहे हैं वही लाइफ में लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज, और चेंज नहीं हुए तो हम सब ने देखा हालत क्या हुई। डेट, अनिल अंबानी ग्रुप, SR ग्रुप, JP ग्रुप, सब में क्या हुआ? हाई डेट ने मार डाला। और फाइनली एनवी, 2006 में मुझे याद है रामालिंगन राजू का मैंने इंटरव्यू सुना था सत्यम का, वो बोल रहा था कि वी कंपेयर आवर सेल्स विद इन्फोसिस, TCS एंड विप्रो। एनवी बहुत खराब चीज है, हमें हमारी लायकात समझनी पड़ेगी, हमारी औकात हमें समझनी पड़ेगी। मनपसंद रीसेंट एग्जाम्पल है, वो अपने आप को फ्रूटी से कंपेयर कर रहा था, वो बता रहा था कि फ्रूटी से ज्यादा मार्केट शेयर मेरा है, बाद में सब निकला कि ये सब गलत था। सो अगेन मैं आप सबसे, हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं उसकी एक झलक देना चाहता हूं दो एग्जाम्पल से। लास्ट ईयर वी बॉट HDFC AMC, क्यों हमने लिया? तो सबसे पहले मार्केट साइज बहुत बड़ी है और पेनिट्रेशन बहुत लो है। इंडिया में म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट 5-6% होगा। अभी एक रिसेंट में कॉलेज में लेक्चर देने गया था, वहाँ 80 स्टूडेंट्स थे, MBA की कॉलेज, वहाँ मैंने पहला ही क्वेश्चन पूछा उनसे कि कितने लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, खुद या खुद के पेरेंट्स, सिर्फ 3 हाथ ऊपर आए, 5%। म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन बहुत कम है, इक्विटी पार्टिसिपेशन बहुत कम है, यानी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। HDFC AMC मार्केट लीडर है, हर साल वो मार्केट शेयर गेन कर रहा है। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आज HDFC AMC के पास एसेट्स क्या है? तो हम सबके पैसे, हम सब ने जो पैसे लगाए हैं वो उनके एसेट्स हैं, यानी उनके पास इक्विटी है और डेट है, ऑलमोस्ट 3.6 lakh crore,
अभी इक्विटी में हम सब जानते हैं कि ग्रोथ कितना आता है लॉन्ग टर्म में, 12-15%, इतना रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं और आता भी है। डेट में रिटर्न कितना आता है, 6-7%, दोनों का एवरेज करिए 9-10% नेचुरल ग्रोथ हुआ। यानी अगर HDFC अपनी दुकान बंद कर देती है, नया इंक्रीमेंटल पैसा लाता ही नहीं है, तो भी जो उनके पास एग्जिस्टिंग एसेट्स है डेट विल ग्रो एट 9-10%। इससे यहां शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, फिर भी बता देता हूं, DCF जब हम करते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, उसमें एक आता है टर्मिनल ग्रोथ। अगर टर्मिनल ग्रोथ आप FMCG सेक्टर में हाईएस्ट रखते हैं 4-5%, यहां पे आप 9-10% टर्मिनल ग्रोथ रख सकते हैं। और अगर आपने ये रख दिया तो आपका PE इनफाइनाइट हो जाता है। मार्केट ये चीज अभी समझने लगी है ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए नए हाई पे है, एंड दैट इज वाई वी बॉट इट, कि यहां पे ये अपॉर्चुनिटी मार्केट मिस कर रही है। इनको कैपिटल नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए। आज आपको सीमेंट में अगर ग्रोथ करना है तो यू नीड टू ऐड कैपेसिटी, और कैपेसिटी ऐड करने के लिए यू नीड टू डू केपेक्स, पैसा डालना पड़ेगा। HDFC में प्रशांत जैन इज मैनेजिंग 80,000 करोड़। आज उनको हम 2 लाख करोड़ दे देंगे, वही टीम से वो मैनेज कर लेंगे, और जो भी पैसा नया आएगा उस पर जो फीस आएगी वो डायरेक्ट बॉटम लाइन। नो मनी इज नीडेड फॉर ग्रोथ, ऐसा बिजनेस कहाँ मिलता है। फी बेस्ड इनकम यहाँ आती है, यहाँ NPA की झंझट नहीं है, जो बैंक्स में हम देखते हैं कि पैसा फिर से आता नहीं है, यहाँ तो उनके पास पैसा है वही कट कर देते हैं फीस। 31 मार्च को रिसीवेबल्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। 66% डिविडेंड पे आउट रेशियो, 100 रुपए कमाती है 66 शेयर होल्डर को दे देती है। और फाइनली HDFC इज अ ट्रस्ट वर्दी ब्रांड। आज मैं आपके सामने 5 म्यूचुअल फंड रखूंगा, यू विल प्रीफर HDFC, उसके सामने दूसरे भी ब्रांड्स होंगे लेकिन इतने बड़े ब्रांड नहीं है। दूसरी कंपनी, दिस कंपनी वी आर होल्डिंग सिंस 2012, रिलैक्सो फुटवेयर। ये कंपनी इंडिया की अगर बात करें तो लास्ट ईयर इंडिया ने 210 करोड़ फुटवेयर बेचा। इंडिया का पॉपुलेशन है 130 करोड़, सो पर पर्सन 1.6 फुटवेयर इंडिया में लोग लेते हैं। मार्केट साइज कितनी है, बड़ी है, 1 लाख करोड़ की साइज है। ऑर्गेनाइज मार्केट इज 45%, सो अनऑर्गेनाइज बहुत बड़ी है। GST के बाद में ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का शेयर श्रिंक हो रहा है, यानी ऑर्गेनाइज बढ़ रहा है, अनऑर्गेनाइज कम हो रहा है, ऑर्गेनाइज ऊपर जा रहा है। रिलैक्सो हवाई चप्पल बेचती है, FMCG प्रोडक्ट, GST सिर्फ 5% है। लास्ट ईयर रिलैक्सो ने 18.39 करोड़ फ्लिप फ्लॉप बेचे, चप्पल बेची। लास्ट ईयर उसके पहले साल कितना बेचा था, 15.74 करोड़, यानी 16.8% का वॉल्यूम ग्रोथ है। वैल्यू ग्रोथ कितना किया, पर स्लीपर वो 125 रुपये कमाता है, रियलाइजेशन है, यानी सिर्फ 0.6% प्राइस ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ ही कर रहा है। उनका लास्ट 5 ईयर से आप ROCE देखोगे, इट इज अबाउट 25%। एक दूसरी एनालॉजी मैं देना चाहता हूं। इंडिया में आज अगर कोई फैमिली है 4 का, उनकी इनकम है 5 लाख, तो उनके घर में पर ईयर वो लोग 5 फुटवेयर बाई करेंगे, 2 ब्रेड अर्नर के लिए और हर एक के लिए एक एक। अभी ये इनकम 5 लाख की 12 लाख हो जाती है, तो फुटवेयर कंजम्पशन डबल नहीं होगा, वो ट्रिपल हो जाएगा, यानी 5 का 15 हो जाएगा। एक मंदिर में जाने के लिए, एक पार्टी में जाने के लिए, एक लेजर के लिए, एक घर के लिए, यानी ब्रेड अर्नर और सबके पास 4-4 फ्लिप फ्लॉप्स हो जाएंगे। अभी ये इनकम 12 लाख की सपोज 20 लाख हो जाती है, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा। जो 1500 की चप्पल पहनता है वो 2500 की पहनेगा, जो 2500 की पहनता है वो 3500 की पहनेगा। यानी इंडिया में पहले वॉल्यूम ग्रोथ आएगा और बाद में वैल्यू ग्रोथ आएगा, एंड रिलैक्सो इज फोकसिंग ऑन दैट। अभी वो वॉल्यूम ग्रोथ कर रहा है, ग्रेजुअली वो वैल्यू ग्रोथ करने वाला है। सलमान खान, अक्षय कुमार, ये सब उसके ब्रांड एम्बेसडर है, दे हैव बिल्ड अ वेरी वेरी स्ट्रांग ब्रांड। सो अभी थोड़ा लाइट मूड करते हैं। आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू लाइफ ऑफ अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। जो यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको मैं क्लोज कॉर्नर से जानता हूँ, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया। उनकी लाइफ में
अप्रोक्सीमेटली 35 साल से वो स्टॉक मार्केट में है. उनकी लाइफ में उन्होंने 150 स्टॉक्स में टोटल इन्वेस्टमेंट किया होगा, 150 स्टॉक्स. उसमें से सिर्फ 6 से 8 बड़े बन गए, मल्टी बैगर्स बन गए. कौन से? कोटक बैंक, मद्रास सीमेंट, यानी अभी रामको सीमेंट नाम है उसका, SBI, बेयर एंड लुपिन. उनके रीसेंट विनर्स हैं टाइटन, रिलैक्सो, नाटको. वो क्या करते थे, 1990 से 2003 तक IPOs जो आते थे उसमें काफ़ी सारी IPOs में पैसा डालते थे. एंड रिमेंबर, ही वॉज अ मिडिल क्लास पर्सन. इतना कुछ ज़्यादा उनके पास पैसा था नहीं, सो यू यूज टू इन्वेस्ट 10,000-20,000. और आप सबको पता होगा तब IPOs जो आते थे वो फेस वैल्यू पे आते थे, अभी सब महंगे आते हैं, तब तो अच्छे दाम पे मिलते थे. तो ही यूज टू इन्वेस्ट, और उसमें भी जो IPOs में डाले उसमें से आधे IPOs आज जीरो हो गए. यानी 10,000 डाला, जीरो. 20,000 डाला, जीरो. लेकिन जो बच गए, जो सर्वाइव हुए हैं, वहां रिटर्न डिसेंट है और FD से डिविडेंड यील्ड ज्यादा है. यानी आज जो होल्ड कर रहे हैं, तो 10,000 रुपए डाले थे तो 700-800 रुपए का डिविडेंड पर ईयर आता है, मोर देन FD. लेकिन उनकी लाइफ में एक बड़ा स्टॉक आ गया और वो है इंफोसिस. उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा था और इंफोसिस IPO किया और अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को भी बोला कि यू शुड ऑल्सो अप्लाई. सबने किया और सबको मिला, क्योंकि वो अंडर सब्सक्राइब हुआ था. जिसने जितना मांगा होता मिल जाता. लेकिन रिलेटिव्स फ्रेंड्स ने क्या किया कि 9,500 की जब वैल्यू 45,000, 50,000, 60,000 हुई तो बेच दिया. भाई 4-5 times बढ़ गया है, अभी क्या चाहिए, और निकल जाओ, बुक प्रॉफिट. सो वॉट दे मिस्ड, और ये जो थे उन्होंने नहीं बेचा है. 9,500 हैज बिकम 4.5 crore टूडे. टाइम्स में रिटर्न देखें तो 6,500 times रिटर्न. वो लोग ने बेच दिया था 4-5 times पे, यहां पे 6,500 times. केगर रिटर्न देखें 39%. सो वॉट काउंट्स मोस्ट इन इन्वेस्टिंग. जैनिश भावेश ने भी ये डिस्कस किया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बिजनेस इंपॉर्टेंट है, आप कौन से भाव पे लेते हो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन. अपने खुद क्या करते हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. उनका एक दूसरा रिसेंट एग्जाम्पल मैं बताता हूं. उन्होंने 2006 से 2008 में 4 stocks में 15-15 lakh रुपए डाले थे, क्योंकि तब वो मिडिल क्लास से हायर मिडिल क्लास कैटेगरी में आ गए थे, तो पैसे ज्यादा थे इन्वेस्ट करने के लिए. सो ही इन्वेस्टेड 15 lakhs इन 4 stocks. 4 stocks हैं पुंज लॉयड, बिलकेयर, लुपिन एंड टाइटन. 3 साल में पुंज लॉयड वेंट डाउन, 53% लॉस बुक करके वो बाहर निकल गए. उन्होंने 15 lakh के सामने 8 lakh का लॉस किया. बिल केयर में भी उन्होंने लॉस किया 9 lakhs का, 60% लॉस. लुपिन 1.9, जो 15 lakhs डाले थे वो हाई वैल्यू 2015 में 1.9 crore हो गई थी. फिर फार्मा में काफी प्रॉब्लम्स आए हैं तो वहां से वैल्यू घट के अभी 67 lakhs है. ही इज होल्डिंग, ही कुडंट बुक प्रॉफिट एट 1.9 crore. और टाइटन 15 lakh का 4.2 crore गया, आज उसकी वैल्यू है 3.9 crore. और ये सब मैं बात कर रहा हूं ये मंदी की फ्राइडे को छोड़ के. सो मोटा मोटा हम देखें तो उन्होंने लॉस कितना किया, तो 17 lakhs का लॉस किया, बुक लॉस किया. और पैसा बनाया कितना, 427 lakhs, 4 crore 27 lakh. केगर कितना होता है, 17%. और इसमें डिविडेंड मैंने काउंट नहीं किया है, अभी डिविडेंड काउंट करते हैं. 18 lakh का इतने साल में उन्हें डिविडेंड आया. सो 427 प्लस 18, 445 lakhs, ऑलमोस्ट 4.5 crore का प्रॉफिट किया. डिविडेंड यील्ड आज टाइटन में कितना है, 10.3%. यानी टाइटन का शेयर अगर नहीं चलता है तो भी उनको 10.3% डिविडेंड यील्ड मिलता जाता है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत नीचे है. FD से ज्यादा टाइटन में डिविडेंड यील्ड आता है. अभी इसके सामने सोचिए टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर या अमेच्योर इन्वेस्टर क्या करता. वो लुपिन में 15 का जब 20-25-30 lakh हुआ होता तो बेच देता. टाइटन 15 lakh का 30 lakh हुआ होता,
40 लाख हुआ होता, बेच देता, बुक प्रॉफिट कर लेता, और वो पैसा फिर वो कहाँ डालता? तो भाई पुंज लॉयड 60% नीचे मिल रहा है, सस्तो मड़ी रहो छे, आनाथी नीचे केटलो जवानो। सेम वे बिलकेर, उसमें वो पैसा गया होता, और अल्टीमेटली फिर वो कहता कि शेयर बाजार में पैसा बनता नहीं है, क्योंकि बिलकेर और पुंज लॉयड आज 98 से 99% डाउन है। अगर वो बुक लॉस नहीं करते 50-60% पे, तो आज 99% डाउन है। कहने का मतलब यही है कि सेल द लूजर्स, आपको पता चल गया है कि मिस्टेक की है, बी आउट ऑफ इट, इमोशन लेस हो जाना पड़ेगा, और राइड द विनर्स, विनर्स को राइड करना है। उन्होंने आज भी बुक प्रॉफिट नहीं किया है, अनरियलाइज्ड गेन ही है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, उनका यहां प्रोबेबिलिटी कितना था ऑफ गेटिंग राइट, उनका रेशियो क्या था? 50%। दो स्टॉक में वो गलत थे, दो स्टॉक में वो सही थे, लेकिन दो स्टॉक जो सही थे वहां पैसा इतना मल्टीपल हो गया कि लॉस वाले में कोई फर्क पड़ा ही नहीं। सो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि हम भी जो पोर्टफोलियो बनाएंगे उसमें 50-60% ही स्ट्राइक रेट होगी, दूसरे में हम भी फेल जाएंगे। लॉन्ग लिव द स्टॉक मार्केट, ऐसा जगह कहाँ मिलेगा आपको कि जहां आपका स्ट्राइक रेट सिर्फ 50% है और आप इतना पैसा बनाते हैं। सो व्हाट ही अचीव्ड, ही अचीव्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वेरी अर्ली, 50-51 ईयर्स की एज थी तभी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए थे, उनको कोई नौकरी बिजनेस करने की जरूरत नहीं थी। ही डज वॉट ही लव्स टू डू, उन्हें जो करना है वो आराम से करते हैं। ही एंजॉयज डिविडेंड, 8-10% डिविडेंड यील्ड आते हैं, आज उनका घर का खर्च डिविडेंड यील्ड से निकल जाता है, उनको कैपिटल एप्रिसिएशन की कोई परवाह नहीं है, एंड ही लिव्स अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। सो व्हाट टू लर्न फ्रॉम हिम, सिंप्लिसिटी। मैंने उनको क्लोज कॉर्नर से देखा है, इतनी इनकम बढ़ी, इतने पैसे बढ़े, उनकी लाइफस्टाइल कभी नहीं बढ़ी। ये मंदी में जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं उसका वजह यह है कि उन्होंने अपनी इनकम के साथ अपनी लाइफस्टाइल भी बढ़ा दी थी। अभी इनकम नीचे है, लाइफस्टाइल नीचे नहीं आ सकती है। लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, पहले सोच लो कि लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं तो इनकम उस तरह की है कि नहीं है, क्योंकि खराब दिन भी आने वाले हैं। उनका इनबिल्ट नेचर है टू सेव एंड इन्वेस्ट, जो भी पैसा आता है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, डिविडेंड्स के भी जो पैसे आते हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं। ही नेवर टुक कैश कॉल, ही ऑलवेज रिमेन इन्वेस्टेड, कैसा भी टाइम हो वो हमेशा 100% इन्वेस्टेड रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर, इनकॉरिजिबल फेथ इन इंडिया एंड इक्विटी मार्केट। हम लोग बहुत बार होप खो देते हैं, हमारे देश पे हमें गर्व नहीं होता है, हमारे देश में हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा है, सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और लॉन्ग टर्म रह नहीं पाते हैं। वी आर लक्की टू बॉर्न इन इंडिया एंड वी आर लक्की कि ये टाइम पे हम इंडिया में हैं, ये बेस्ट टाइम है इंडिया का। उन्होंने काफ़ी बैड साइकिल्स भी देखी है अपनी लाइफ में, 92 हर्षद मेहता स्कैंडल देखा है, 99-2000 डॉट कॉम बबल केतन पारेख स्कैंडल देखा है, 2003 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो टेररिस्टों ने तोड़ दिया था वो भी देखा है, 2008 वर्ल्ड का बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस लेमन ब्रदर क्राइसिस वो भी देखा है, और अभी 2018-19 की मंदी भी देख रहे हैं। ही हैज सर्वाइव्ड एंड ही हैज थ्राइव्ड इन एवरीथिंग। उन्होंने, मैंने देखा है, कैरियर में ज्यादा कुछ डेट लिया ही नहीं था, डेट फ्री लाइफ जी है, एंड ही नेवर वेंट आफ्टर नेम फेम और मनी। मैं सस्पेंस नहीं रखना चाहता हूं वो कौन है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ही इज नन अदर देन माई फादर, ही इज सिटिंग राइट देयर। एक चीज मैं मेरे फादर के लिए बोल सकता हूं कि जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में आता हूं, कुछ मैंने मैस कर दिया हो, तो ही इज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू, मैं उनके पास ही जाता हूं पहले, और मैं डरता नहीं हूँ कि वो क्या बोलेंगे। जनरली ये होता है, हम देखते हैं कि पेरेंट्स के पास बच्चे जाने से डरते हैं, उनको लगता है कि पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, लेकिन ये मेरे फादर ने हम में डाला है कि हम लोग नहीं डरते हैं, उनके पास ही पहले जाते हैं। सो आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इवन मेरी 2 साल की डॉटर है, मैं भी चाहूँगा कि मेरी डॉटर भी जब भी वो ट्रबल में, वो पहले मेरे पास आए।
So how to live through 30-40 years with stock market? यहाँ मैंने ऐसा क्यों लिखा है, हम लोग गोल्ड में पैसा डालते हैं तो कितने साल के लिए डालते हैं? डिकेड्स के लिए डालते हैं. दादी का सोना अभी भी अपने पास होता है, पर दादा का सोना अभी भी अपने पास होता है, ज्वेलरी भी होती है. रियल एस्टेट बरसों के लिए डालते हैं, लेकिन जब इक्विटी की बात आती है तो 2 साल 3 साल 5 साल. वाई, क्यों इतना छोटा? वी नीड टू लिव विद इक्विटी. खराब अच्छा समय आएगा, उसके साथ रहना है, और कैसे रहना है उसके मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं. एक चीज गांठ बांध दीजिए कि लाइफ में 4 बार आपका पोर्टफोलियो आधा हो जाएगा. 2008 में हुआ था, 2018-19 में 30-40% तो हुआ होगा काफी लोगों का, होगा ही. यानी आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है तो पहले से समझ लीजिए, माइंड मैपिंग कर लीजिए कि 50 लाख का ही है, दुखी नहीं होंगे. दूसरा, डोंट रिएक्ट टू न्यूज. बहुत न्यूज आ रहा है अभी, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो रहा है, बहुत न्यूज आते हैं. ये सब चीजें लॉन्ग टर्म में कोई मायने नहीं रखती है. मैं आपको चार्ट दिखाता हूं सेंसेक्स का, 29 ईयर्स का ये चार्ट है. उसमें बीच में जो बड़ा लाल लाइन है, कैंडल है, वो 2008 है. लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही गया है, बीच बीच में ऐसा होता रहता है. बोलते हैं ना, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है. अगर आपने अच्छा ईयर एनकाउंटर किया 2017, तो समझ लीजिए कि खराब साल भी आने वाला है. बी बिकम मोर कॉशियस, बी मोर फियरफुल. अगर आपने खराब साल देखा है 2018-19, समझ लीजिए अच्छा टाइम आने वाला है, अपना टाइम आएगा. और फ्राइडे को अभी लग रहा है कि मार्केट हैज टर्न्ड. बी पैशनेट टू लर्न, चेज एक्सीलेंस एंड नॉट मनी. 3 इडियट्स मूवी में आपने देखा हो, उसका मेन थीम लाइन था, काबिल बनो कामयाबी खुद ब खुद आएगी. एग्जैक्टली, ये हमें करना है लाइफ में. बस मनी इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट, काबिल बनो. सो फाइनल फेज में मैं आता हूं कि व्हाट हैपेंस व्हेन पर कैपिटा इनकम क्रॉसेस $2,000 थ्रेशोल्ड. $2,000 थ्रेशोल्ड क्रॉस करती है कोई भी कंट्री तो क्या होता है? रशिया ने 2001 में क्रॉस किया था, उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स में वहां कंजम्पशन 3.2 टाइम्स बढ़ गया था. चाइना ने 2006 में क्रॉस किया था, वहां कंजम्पशन 2.6 टाइम्स बढ़ गया नेक्स्ट 5 ईयर्स में. चाइना में दूसरे एक डेटा देता हूं कि नॉर्मल कंजम्पशन और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में क्या फर्क पड़ा. तो बाथ एंड शावर कैटेगरी 1.5 टाइम्स ही ग्रो हुआ, क्योंकि वो नॉर्मल है. डिस्क्रिशनरी में ग्रोथ 25 टाइम्स हुआ, कॉस्मेटिक एंड स्किन कैटेगरी में. अभी मैं बात कर रहा हूं उस समय इंडिया इज क्रॉसिंग $2,000 पर कैपिटा. हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं 2019 में. तो सोचिए नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंडिया में क्या हो सकता है, कंजम्पशन कहां जा सकता है. हम लोग बिग पिक्चर मिस कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में ये बड़ा पिक्चर है ये मिस कर रहे हैं. सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट 5 ईयर्स में? हमारा पर कैपिटा $2,000 से $3,500 होने वाला है. सो $1,500 का हम सेविंग करने वाले हैं. अभी ये $1,500 कहां कहां जाएगा? एक तो सेव करेंगे हम और दूसरा कंज्यूम करेंगे हम. सेविंग्स में पहले हम क्या करते थे? गोल्ड, रियल एस्टेट, किसान विकास पत्र, इंश्योरेंस, LIC, ये सब में डालते थे. अभी जमाना बदल रहा है, अभी नए एवेन्यूज में पैसे डाल रहे हैं लोग, म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं. ये मंदी में भी हर महीने नेट इनफ्लो आ रहा है SIP में, इंश्योरेंस में डाल रहे हैं, PMS में डाल रहे हैं, AIF में डाल रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स में डाल रहे हैं. और दूसरा, कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा? कंजम्पशन के लिए 2 चीज चाहिए, एक तो हायर इनकम और दूसरा अवेयरनेस. इनकम बढ़ने वाली है, $2,000 से 3,500 होने वाली है. अवेयरनेस ऑलरेडी हो चुकी है थैंक्स टू रिलायंस Jio, 1.5 GB हर रोज मिल रहा है. गरीब से गरीब पर्सन को भी पता है कि मुझे, मेरे पास अगर पैसे आते हैं तो मुझे क्या बाई करना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कहाँ घूमने जाना है. ही नोज एवरीबडी एवरीथिंग थैंक्स टू Jio. कंजम्पशन कहाँ होगा? तो वाइट गुड्स में होगा. अभी का रिसेंट डेटा आपको देता हूँ, लास्ट 3 मंथ्स में
एयर कंडीशनर, एयर कूलर और वॉशिंग मशीन, और खास करके वॉशिंग मशीन कोई भी डीलर के पास नहीं थे, सब बिक गए थे, आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे डीलर्स। ऑलरेडी $2,000 क्रॉस हो चुका है और उसका इम्पैक्ट ये चीजों में दिख रहा है, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, वॉशिंग मशीन में, वाइट गुड्स में। और दूसरे कहाँ कंजम्पशन हो सकता है, ज्वेलरी, लीकर, टूर्स एंड ट्रैवल्स, हॉस्पिटैलिटी, ये सब में कंजम्पशन बूम आने वाला है नेक्स्ट 5 years में। सो वी नीड टू पोजिशन आवर सेल्स इन दिस डिरेक्शन। सो फाइनली ये कौन है, कोई आइडेंटिफाई कर सकता है? कौन बनेगा करोड़पति में थर्सडे? शी इज मिसेस बबीता ताड़े। उनकी मंथली इनकम है ₹1,500। उन्होंने 1 crore जीता, और वो एपिसोड देखने लायक है, मैं सबको रिकमेंड करूंगा वो एपिसोड देखिए। उसमें मैंने एक चीज लर्न की, और वो क्या लर्न की, उनको अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि आपको अगर पैसे आते हैं तो आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला मुझे, मेरे लिए एक सिर्फ मोबाइल फोन चाहिए। कंटेंडेड, शी इज वेरी कंटेंडेड। हम लोग को सिखाया जाता है कि ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, बड़ा करो। इसने छोटा सोचा फिर भी 1 crore जीत के गई। उसके सामने काफी लोग आते थे, उनको पूछते थे तो वो क्या बताते हैं, मुझे बाहर घूमने जाना है, अपना घर बनाना है, बड़े बड़े ख्वाहिश थे, वो सब 3,20,000 तक ही निकल गए। तो दिस इज समथिंग न्यू विच आई लर्न फ्रॉम हर। और उसका जो स्माइलिंग फेस था, कॉन्फिडेंस था, 1 crore पे जो सवाल आया था वो भी उसका राइट था, वो अगर प्ले करती तो 7 crore जीत के जाती। और फाइनली ये जैकमा का कोट है, और खास करके ये मंदी अभी जो चल रही है और जो डिस्ट्रेस में है उसके लिए मैंने कोट लिखा है कि टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट, डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटिफुल, बट मोस्ट पीपल डाई टुमारो इवनिंग, दे डोंट हैव पेशेंस, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू हैव नो टुमारो। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।